जलवायु का वर्गीकरण ध्यान से समझना, सुनो ना, क्योंकि नहीं तो तुम लोग मेरे क्वेश्चन यहीं से लिखोगे, जो कॉपी में जलवायु का वर्गीकरण था ना यहाँ से लिखोगे, ठीक। अगर तुम सन ऐड कर दो और उसका साइंटिस्ट का नाम ऐड कर दो अगर लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क मिलेगा। सुन का इंट्रोडक्शन ही बता दो कि तुम्हारी नॉलेज स्किल क्या है, आज पर करंट चाहे कितना ही पढ़ लो, ब्रेक बता रहा करंट करंट पढ़ रहा था पक्का करंट हो रहा था, आज पर करंट अगर पढ़ रहा था करंट अफेयर ही चलता क्या चलता जलवायु वर्गीकरण, जलवायु का देखो वर्गीकरण कैसे करा है, कैसे बांटा है। पूरी दुनिया में जो जलवायु हो ना, जलवायु उसे तीन तरीके से हम गेस कर सकते, सोच सकते, आंकड़े जुटा सकते, कैसे हो सकते जो मॉडल होंगे जलवायु को। एक तो हो सकता अनुभविक जलवायु वर्गीकरण, हो सकता अनुभव हुआ हो कि वहाँ की जलवायु ऐसी होगी, हमने वहाँ जाकर एक्सपीरियंस किया हो, वहाँ ठंड पड़ती है यहाँ गर्मी पड़ती है। एक तो जो मॉडल बनाया जा जो छोड़ी दी जा वो अनुभव आधारित हो सकता, समझ में आया। अब जो कोपेन ने कोट इसकी वो वादा पता लगा, ध्यान से समझ गए ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुभव अनुभवी जलवायु वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण ना हमारा तीन तरीके बहुत सारे जलवायु वर्गीकरण। दूसरा जनिक जलवायु वर्गीकरण, तापमान कैसा हो सकता जनिक, जनिक का मतलब तापमान कैसा होगा, कारण का आधार पर क्या कारण होगा वहाँ का, ऐसा ही क्यों होगा, कारण का आधार पर उसे जनिक जलवायु वर्गीकरण बोल लेंगे। कुछ आंकड़े हमने इकट्ठे कर रखे हो उसे बोल लेंगे संख्या की जलवायु वर्गीकरण। आंकड़ों का आधार तो त्रिवार था, त्रिवार था।
विक्ट्री वाट अदर इसका जो मोड था उस संख्या की जलवायु को निर्धारण करना था आंकड़ों के आधार पर आधारित कुछ आंकड़े जुटाने देखो मेरे पास ऐसे साक्ष्य मौजूद है मेरे पास सबूत मौजूद है मैं बिना सबूत की बात नहीं करता बिना फैक्ट्री में बात नहीं करता ऐसा तो त्रिवार था इसका त्रिवार तो तीन मॉडल जलवायु को ना तीन तरीके से मार सकते हैं नंबर फर्स्ट एक तो अनुभवी जलवायु वर्गीकरण होगा नंबर दो जैविक जलवायु वर्गीकरण होगा नंबर तीन सचिव जलवायु वर्गीकरण होगा ओके का कौन था अनुभवी जलवायु वर्गीकरण मतलब ज्ञान इंद्रियों के आधार पर मतलब घर तक नहीं गया अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है घर तक नहीं गया अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है और बैठे बैठे सब कुछ पता कर लिया कि हाँ ऐसा होगा हाँ ऐसा होगा जो सारी जानकारी लेकिन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बाद में आया कोपेन बहुत तगड़ा चोर था मैं इसमें कह रहा हूँ मैं कोपेन ने मेरी वीडियो सुन लगा ना मुझे इतना मारा मारा यार उसकी आंखों मुझे लग गई मुझे रात को सताना स्टार्ट था बहुत कभी रात कोपेन ने ठाकुर मुझे पटक रख ठाठा है कोपेन कितनी बुराई लेकिन मुझे कोपेन ने लेकिन कोपेन है ना एक वनस्पति वैज्ञानिक था उसका नाम था हिंडोला उसका दूसरा नाम था कैंडोला कैंडोला अच्छा सुन लो जो कैंडोला था ना ए जो कैंडोला था ना ये वनस्पति वैज्ञानिक था तो जब ये अपनी वनस्पति के बारे में झूठा रहा था ना इन्हें बताया कि हाँ यहाँ इस अक्षांश के आसपास ऐसी वनस्पति पाई जा इस अक्षांश पे ऐसी वनस्पति पाई जा इस वाले अक्षांश पे ऐसी वनस्पति पाई जा तो इन्हें तो बताया लगा था वनस्पति के बारे में इसका दिमाग काम कर गया पता किसका कोपेन का लेकिन जो हो ना आलोचन जो हो मैं आलोचना करने वाले मैं आलोचना निकाली मैंने कहा आलोचना करने वाले बता दो तुम अगर तुम किसी की आलोचना करोगे तो तुम्हें उसके अंदर कुछ अच्छे नजर नहीं आएंगे अगर तुम किसी को पसंद करोगे तो आलोचना करने वाले समझ रहा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तो कोपेन ना कैंडोल की जो वनस्पति था वनस्पति वर्गीकरण को जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया उसे अपना आधार बनाया था आज सुनो अब तुम्हें ये समझना तुम्हारे दिमाग में जरूर सोच रहे होंगे कि कैंडोल का वनस्पति का वर्गीकरण क्या था यानी जब तक वो नहीं पता लगने का तब तक कोपेन का नहीं समझ बनेगा जब तक कोपेन का समझ बनेगा तब तक जलवायु वर्गीकरण नहीं समझ बनेगा इसका मतलब सबसे पहले कैंडोल का वर्गीकरण कैंडोल ने वनस्पति का वर्गीकरण कैसे करता है वो मेन आज मान लो अब ये पृथ्वी का हमारा आकार उसके बाद क्या हुआ जब ये कैंटोल ने वर्गीकरण प्रस्तुत करा था जिसने पृथ्वी को जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला भाग है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला भाग उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला भाग उसने बताया क्या कहा था मेगाथर्मल कैंडोल अभी योग जलवायु में आया वनस्पतियां वनस्पति वर्गीकरण कर रखा अक्षांश के हिसाब से तीसरे नंबर का नाम था मीसोथर्म मीसोथर्म चौथे नंबर का नाम था माइक्रोथर्म माइक्रोथर्म तो पांचवे नंबर का नाम था हेकिस्टो हेकिस्टोथर्म हेकिस्टोथर्म इसके सुंदर नाम मोनो शीतकटिबंधीय क्षेत्र वो है हेकिस्टोथर्म लिखा है हेकिस्टोथर्म यहां साइड अभी जो मैंने नाम बताया ना तो सारे सारे हैं अभी मैं कैंडोल का पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ रहा कोपेन का जब कैंडोल का पढ़ लोगे कोपेन को समझ में आना था अब पता क्या आया आया पता कौन कौन कोपेन कहने लगा कुछ नहीं आया अब तुम्हें पता बोलो इसका नाम क्या है ये क्या है
मिलते होता है क्या? कहने लगा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दीप पता क्या कह रहा? कह रहा मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा इसे बता रहा? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? जो कैंडोला था उसका समझाऊंगा साइड में, उधर का उसका डाटा लिखूंगा, और इसे देख कर जो बनाया गया जो ओपेन के द्वारा उसका इधर की कॉपी पर के दिल दिया कितना वक्त भी जाता है। आए समझ में? समझ गया तू? अब देखो इधर बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ उत्पत्ति बनी क्षेत्र नहीं बोल। आए समझ में? तो बीच तक के आसपास का क्षेत्र हो तो नहीं कभी देश तक भी देख। आए समझ में? मैंने कहा बदलता रहा, मैंने पहले कहा क्या था इस वाले भाग को मेगा थर्म नहीं बोलना, मेगा थर्म, लेकिन मेगा थर्म किसके साथ? कैंडोर के साथ। इसे तो मेगाथर्म कहा, मेगाथर्म को ना आया ओपन से बोल रहा है मेगाथर्म में उसमें कटिंग नहीं चल रहा है। ये नाम देते क्या जा रहा है? क्या नाम दे रहे थे? हाँ। उसके ऊपर अलग अलग क्षेत्र होगा, मैंने आपको सुना लिखा तो यहाँ भी नीचे क्रोस ही हुआ क्या? हाँ सर, उसका नाम था मीसोथर्म। वैसे इसके बीच वाला जो क्षेत्र था ना वो जीरो फाइट का क्षेत्र था, तो जीरो फाइट को मैंने जीरो फाइट को मैंने अलग से लिखा, ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, उससे कम पाया। अरे उसका नाम मैंने बी रख दिया, मैं नहीं मैंने ओपे ओपे। और उसने कैंडोल में क्या नाम रखा था? जीरो फाइट। कैंडोल में क्या नाम रखा था? जीरो। तो जीरो फाइट का नाम उसने ओपे में क्या रख दिया? बी। और बी का मतलब क्या हुआ? मुस्तले क्षेत्र। तो दिक्कत अब तीसरे नंबर का क्या था? मीसोथर्म। मीसोथर्म ऊपर भी होगा, मीसोथर्म नीचे भी होगा, और इस इनमें का नाम सी रख दिया। और सी का नाम पता क्या होता है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद क्या था? माइक्रोथर्म। माइक्रोथर्म जो माइक्रोथर्म था उसका नाम था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो राष्ट्र था ना इसका नाम उसने ये रख दिया, इसका नाम था हैकिस्टोथर्म। इस सारे नाम याद रखने, ए बी सी डी, ए बी सी डी 17 नाम याद रखने। सी का नाम था इधर भी, इधर देखो सेम सेम बना रखा है, नाम था हैकिस्टोथर्म। अब बताओ इधर किस पायो? कैंडोल का। क्या वनस्पति वर्गीकरण? इधर किस पायो? ये कौन सा वर्गीकरण? जलवायु। इसके आधार पे बनाया गया नहीं बनाया? इसका मतलब ओपेन का जलवायु वर्गीकरण कैंडोल के वनस्पति के वर्गीकरण पे आधारित है। दो लाइन मिली, दो लाइन मिली नहीं मिली? नंबर फर्स्ट कैसे पहले लाइन ओपेन का, ओपेन का जलवायु वर्गीकरण अनुभविक, ये जलवायु वर्गीकरण था अर्थात वह ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर आधारित था। नंबर फर्स्ट ओपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण कैंडोल के वनस्पति जलवायु वर्गीकरण के आधार को मानकर बनाया था। आज मन मस्त लाइन पास है, कोई दिक्कत नहीं, ना कुछ याद करना, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से देना, पेज भर रहा है, इंट्रोडक्शन जबरदस्त वाला, ओपेन का नाम है। क्वेश्चन नहीं पाता, लिख दो क्वेश्चन, तो दिक्कत तो नहीं है। और कैसे 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 पढ़ता था? और डायग्राम तुम बनाएंगे, चलो डायग्राम बनाते हैं। और तीसरा डायग्राम बनाया, जीरो डिग्री अक्षांश, थोड़ा सा चित्र ऊपर लिया, थोड़ा सा नीचे अक्षांश लिखने को जरूरत नहीं है। सबसे स्टार्टिंग में मेगा थर्म आता, स्टार्टिंग में क्या आ रहा? जो मेगा थर्म होगा ना उसका नाम इधर तो इस तरह रखा नाम मेगा थर्म, और इसका क्या नाम रखा? ए। कोई दिक्कत नहीं आता, जीरो फाइट वाला नीचे साइड होगा, थोड़ा सा नीचे लिख दिया।
जो कोपेन का जलवायु परिवर्तन था ना, देखो जो कोपेन था, एक सही बात बताऊं तुम, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था ना, वो कोपेन पर कभी दिया ही नहीं गया। कोपेन ने अपनी जलवायु के जो वर्गीकरण था ना, सही को पूरी करा, कितनी बार करा, जितनी बार करा, इतनी बार कर आज नहीं, वो काम वो कहते हैं जो काम गुरु नहीं करते, गुरु ने नहीं करता दिखाया ना, उसे चेलों ने दिखाया। उसके स्टूडेंट थे बहुत सारे, उसमें दो स्टूडेंट निकल आए, फिर उन्होंने काम करके दिखाया कोपेन के जलवायु पर, उनका स्टूडेंट का नाम भी बता रहा, कितनी बार खा लुआ कोपेन 1900 आज बोल नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंट, नहीं पता पाया जलवायु के बारे में। 1918 साल लगातार मेहनत करी, आज सर 1931 मेहनत करी, 1936 मेहनत ही करता रहा। बताना चाहता था आज कोपेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फैल हुआ नहीं, मैं फैल इंसान के बारे में पढ़ा और इन्होंने मेहनत करके इसे सुधारा, संशोधन करा, इसमें तब जाकर कोपेन को भी सुना, तो उसने नाम रखा है जो पहले वाला क्षेत्र का नीचे वाला भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद मॉन्सूनिक क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद हमारा शीतकटिबंधीय क्षेत्र, इधर ध्रुवीय क्षेत्र है, ये सारा उसके द्वारा दिया गया। तुम पढ़ते हो जो पीछे कुछ साइडों पर लगाए, ये सब नाम स्टूडेंट के द्वारा नाम क्या था, गीगर, जिसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रखे गीगर तथा मार्सजन का स्कूल, गीगर तथा मार्सजन का उपयोग भी पढ़ो आज में, गीगर ये कहता पोहे, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें तो जो बी वाला भाग है ना, बी वाला भाग कौन सा मरुस्थली, बी वाला भाग कौन सा जो बी भाग है, पहले से समझाया क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे किया गया, मेरी सारे समझाने मुझे एक एक कर
पहले बीच वाला समझ लो, नाम देखो कैसे कैसे रिनोट कर जाएंगे, जाम समझ लेना अच्छे तरीके से। तो ये मान लो इधर वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग है, इधर वाले भाग को मैंने एस कह दिया, इधर वाला भाग एस है, एस का मतलब, एस का मतलब क्या होता है, अर्थ सोर्स। इधर वाले भाग को मैंने कह दिया टी, डब्ल्यू है, डब्ल्यू कह दिया, तो इसका किस मतलब ये क्या है, अर्थ सोर्स। अगर मैंने इसे हाँ बी लगा दिया, इसका मतलब अर्थ सोर्स बूस्टर, इसका मतलब क्या है, सुस्त मरुस्तर, सुस्त मरुस्तर, इतना बता बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आएगी कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मैंने कहा कि हाँ इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग ये जो पूरी तरह सूखा हुआ, जो पूरी तरह सूखा हुआ, क्या बोलोगे, सुस्त मरुस्तर। मरुस्तर कितने प्रकार के बैठे, मरुस्तर को कहीं तो प्रदर्शित करेंगे, बीस बी मरुस्तर, ये मरुस्तर, ये और सुस्त का, ये सुस्त मरुस्तर, ये सारे डिनोट करना सीख लो, काम आएंगे बेटा, आए समझ में, कठिनाई पैदा कर देंगे। डी एस का मतलब समझिए क्या है, और सुस्त मरुस्तर, बी डब्ल्यू का सुस्त मरुस्तर, मुझे तो क्या था, कोपेन ने करा रहे हो, कोपेन के जब बच्चों ने आए समझ में, कोपेन के बच्चों ने बांट दिया उठा। जरा एक बात बताओ, एक इन्होंने कहा जहाँ तापमान हो, ध्यान सुनो, जो तापमान हो, इन्होंने कहा जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, यहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, और एक जगह ऐसी हो जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, कुछ जगह ऐसी हो जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, कुछ जगह ऐसी हो जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, इस बार लिखा जाएगा घबराना हो बिल्कुल भी, कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, कुछ ऐसी होगी जहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, जहाँ ज्यादा होगा ना उसे पता क्या बोलोगे, उसे बोलोगे हॉट, हॉट माने गर्म होगा, जब गर्म होगा उसके नाम क्या लेंगे, एच, और जो जो जहाँ कम होगा उसे कोल्ड बोलेंगे, सी ओ एल डी कोल्ड, लेकिन हम ना जो जर्मनी भाषा हो, जो ग्रीक भाषा, उसमें कोल्ड को के ओ एल डी लिखो, कोल्ड उसके नाम का फिर के ले, सी ले, तो के का मतलब समझाओगे कोल्ड, समझ आई बात, कोल्ड तो सी का मतलब देता, तो यहाँ क्या लिखा हमने, कोल्ड, ये जर्मन ग्रीक भाषा है, तो ग्रीक भाषा का अक्षर लेंगे के, समझ आई बात, तो ये जहाँ एच लिखा हुआ समझ जाना तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, यहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा ना, समझ जाओ के लिखा हुआ। अगर मैंने यहाँ बी एस अगर लिख दिया ना, मैंने एच क्या लिख दिया, एच, ठीक, बी एस लिख दिया यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है मैं ऐसे दो भागों मार दू, ऐसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना बी एस और एच, मैंने लिख दिया बी एस और के, इसका मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल था, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल तो है, लेकिन पता कैसा, ये गर्व, तो मरुस्थल दो प्रकार के हो, या तो मरुस्थल गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, तो जो अर्ध, तो यहाँ अर्ध शुष्क मरुस्थल तो ऐसे तो होगा, वो क्या, तो ठंडा होगा या गर्म होगा, अगर ठंडा होगा तो बी एस एच डिनोट करेंगे, अगर गर्म गर्म होगा तो बी एस एच से डिनोट करेंगे, अगर ठंडा मरुस्थल होगा तो बी एस की तो बढ़ेगा। इसे देखो, इसे लिखते हैं बी डब्ल्यू, यहाँ लिख दिया हमने के, बी डब्ल्यू एच, इसका मतलब विपरीत मरुस्थल होता है, शुष्क मरुस्थल होता है, मरुस्थल दो प्रकार के हो, एक ठंडा हो एक गर्म हो, इसे बोलेंगे शुष्क मरुस्थल, लेकिन पूरा नाम हो गर्म शुष्क मरुस्थल, इसका नाम क्या होगा, ठंडा शुष्क मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल के दो प्रकार के हो, ये बात बता दो मुझे समझ में आएगी नहीं, ठीक, कल मैं ना अपनी बात को निश्चय करो, कोई दिक्कत, क्योंकि दिमाग को ग्रहण करने के लिए एक अक्षम था, समझ आई बात, मेरे पढ़ने को एक समझ नहीं है, ठीक, लेकिन तुम्हारी मुझे लगा कि एक टाइम छुट्टी और उसके बाद ना कैरिंग नहीं कर सकते, ठीक, मुझे लगा कि नहीं व्यायाम दे देना चाहिए, और रही आपके इसकी जो फोटो की बात, वो मैंने पहले खींच रखी है, कोई दिक्कत।